सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था खराब करने आगे नहीं भाई आपसे आप गार्जियन हैं सर तो आपके पास नहीं आएंगे बोलने दे लीजिए आज की इतिहास और समाज शास्त्र के लोगों का नहीं हुआ है नियुक्ति उनकी नियुक्ति कर ली जाए ये आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश उन लोग को रोकने का भी तो आदेश नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाध्यता नहीं है 11 जो गैर अनुसूचित जिले हैं उसमें कोई भी नौकरी नियुक्ति की बाध्यता नहीं है ये क्या है उसके लिए रोक नहीं है उस पर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं समझ गए बात को ये हम लोग पहले से जान रहे हैं और जब हुआ है हमेशा माननीय मुख्यमंत्री भी हमेशा इसके लिए लेकिन हर चीज का बहुत आप ही उस जगह पर बैठ जाइएगा ना द ब्लैक बोर्ड बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची जो जगह होता है ना आप आज कह रहे हैं हमारी मांग पूरी करो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करो अगर उसी जगह पर आप बैठ जाइएगा जाके उसी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तो आपको भी उसका सर हम नहीं करेंगे सर वैसा नहीं सर गलत है कोई बोलेगा नहीं मंत्री जी को बरगलाया जा रहा है नहीं करेंगे सर अगर उस कुर्सी पर बैठेंगे रोड में नहीं लाएंगे सर टीचर को रोड में नहीं लाएंगे सर चुप चुप हल्ला क्या कर रहे हो जी है बोलने दीजिए किशोर कोई नहीं बोलेगा एक आदमी बोलो आप बोलिए बात करिए अपना परिचय दीजिए सर मैं टीजीटी अभ्यर्थी हूँ हजारीबाग जिला से हूँ और जिस आदेश का सर विश्लेषण आप कर रहे थे सर मेरा नाम किशोर कुमार हुआ जिस आदेश का विश्लेषण किया जा रहा है सर उसी में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये स्पष्ट है कि गैर अनुसूचित जिला में विज्ञापन संख्या 21-16 में नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है इसकी नियुक्ति होनी चाहिए और हो सकती है सर आवाज ही हम लोग का ही आवाज यही है हम भी यही कहे हम भी देश के नहीं आप जहाँ के हैं हम भी हजारीबाग से पढ़े पड़े हैं हम भी हजारीबाग में लिखे पढ़े हैं समझ गए सब कुछ और आप इतना जानते हैं उतना हम भी जानते हैं समझ गए कि नहीं ये मामला जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का कोई इसमें आदेश नहीं था उस समय से हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो मालूम अभी भी स्पीकर ऑन करके फोन लगाओ सर नहीं नहीं सर मैं उस समय से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि नहीं ये होना चाहिए हर कैबिनेट में हम बात करते हैं अगले कैबिनेट में आ जा रहा है अगले उसमें थोड़ा सा कुछ त्रुटि था उसको करके हम सुधार करके अगले कैबिनेट में ले आ रहे हैं बार बार और जब कैबिनेट से निकलते हैं बैठते हैं तो सीएम से बोलते हैं कि इसको अगले कैबिनेट में मंगवा लीजिएगा सर जरूर से मंगवा लीजिएगा इन लोग वक्तों में इन लोग को मत का मांग जायज है लेकिन ये कि एक बार आप लोग मेमोरेंडम दे दिए हमारे पीएस ठाकुर जी को दे दिए हाँ अब फिर वही मामला लेके फिर आके आप लोग बैठ गए तो आगे क्या उम्मीद करेंगे आप लोग बच्चों को कितना पढ़ेंगे तो सर हम लोग क्या करें सर आप लोग क्या करें सर मजबूर एक बार मेरे संज्ञान में मामला आज से नहीं है ऐसा बस नहीं हमारे संज्ञान में पहले से है और हम इसमें जितना आप लगे हैं ना उससे ज्यादा हमारे बारे में क्या क्या हमारे बारे में क्या क्या गाइड किया गया बोला गया कि यही उठा रहा है लोगों को यही करवा रहा है यही कहता है कि हम लोग आगे विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं कुछ लोग मिसगाइड करने सर हम लोग मर जाएंगे सर हम लोग सर मर जाएंगे सर हमारे साथ हमेशा बात करता रहता मेरे बात बैठिए बैठिए ना जी बैठिए ना बैठिए बैठिए हमेशा संजय कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आप लोग जागे और हम उसके पहले से निरंतर लगे सर हम लोग यही नहीं सर तो जागेंगे मेमोरेंडम दे दीजिए और आप लोग बेफिक्र रहिए आपके साथ होगा और बहुत जल्द में अभी हमको जाना है एयरपोर्ट नए राज्यपाल महोदय आ रहे हैं उनको रिसीव करने जाना है इसलिए आप लोग के साथ हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको अच्छा समाचार शुभ समाचार सुनने मिलेगा आप लोग खुशी खुशी उनको बोलने दीजिए ना उनको बोलने दीजिए आपके आपके वक्तव्य के अनुसार सर पिछले बार आप लोगों के बहुत हम लोगों का आश्वासन मिला था कि आपकी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अगर वो मामला क्लियर हो जाएगा तो इस हफ्ते में मैं आप लोगों की नियुक्ति कर दूंगा सर आज हमने आदेश लिया है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग नहीं है
ये 9 तारीख आज कहाँ था तुम्हें? 13 तारीख आज 13 तारीख है। कितना दिन हुआ? 4 दिन। 4 दिन चार दिन में क्या क्या था, कौन कौन दिन था? बंद था, बंद था। चार दिन में कौन कौन दिन था इसको याद करिए। 3 दिन बंद था। बंद था सर। हम लोग उसके बाद अभी बताया कि पुराने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया का विदाई, नए राज्यपाल का स्वागत, उनका उनको रिसीव करना, कल उनका ये है शपथ ग्रहण है। तो सारी चीजें अभी एक रिपोर्ट देना चाहते हैं। एक रिपोर्ट सर सुन लीजिए, कोई चीज का मेरे पास नहीं है। क्षमा चाहते हैं सर, मुख्य सचिव से अभी मिला गया है सर, मुख्य सचिव ना थोड़ा सा सुना है मेरे पास। हम लोग अभी मुख्य सचिव महोदय के पास गए हैं सर, मुख्य सचिव महोदय के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आपका पूरा मामला हम लोगों के संज्ञान में है, इस विषय को लेकर के आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए और सीधा सीएम से मिलिए। अगर सीएम से आप लोग मिल लेते हैं तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। सर ये हम लोग इसीलिए सर यही आग्रह करने के लिए आपके पास हम लोग आए सर। यहाँ जितने भी लड़के हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए, जानते हैं हम लोग आपकी बात हम आज के आज जो मुख्य सचिव ने आपको सलाह दिया है या निर्देश दिया है, वो सलाह निर्देश मुख्य सचिव का मैं अभी मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अभी उनको आप बात बता दूंगा कि ऐसे ऐसे चीफ सेक्रेटरी ने अभ्यर्थियों को कहा है कि आप मंत्री से मिलिए। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.